नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज में। दोस्तों आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कलेक्शन फ्रेमवर्क। ये काफ़ी रिक्वेस्ट आई मुझे इस टॉपिक को बनाने के लिए, तो हम धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करेंगे और बहुत डीप में जाएंगे। और मैं ये पूरी सीरीज़ आपको बना के आपके लिए इसको प्लेलिस्ट में डाल दूंगा कोर जावा के अंदर, जिससे आपको कलेक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएं। क्योंकि हमने भी इस कलेक्शन टॉपिक को जब पढ़ा समझा तो काफ़ी टाइम लगा, और जब अपन कंप्लीट रेफरेंस या कोई सी भी बुक लेके उठा के पढ़ना चालू करते हैं तो इतना समझ में नहीं आता जितना आप यूट्यूब पे अगर जाके किसी को सुन लें और उसके लाइव एग्जांपल्स देख लें तो आपको जितना समझ में आएगा। तो दोस्तों ये हमको जावा को बिल्कुल भी और कोई भी लैंग्वेज को हमको रटना नहीं चाहिए। हमको हम बेसिकली इसलिए कई बार कॉलेज में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि भाई चलो हमको कुछ एग्ज़ाम क्लियर करने मिल जाए, ये हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना है। कंप्यूटर्स या सॉफ्टवेयर्स में आपको बिल्कुल रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चीज़ों को समझें, हर एक लाइन का मतलब होता है इसमें। इसलिए हम पहले ये देखेंगे कि कलेक्शन फ्रेमवर्क की ज़रूरत ही क्यों, कहाँ से आ गई, क्या रीज़न था जो कलेक्शन फ्रेमवर्क को पिक्चर में आना पड़ा JDK 1.5 में। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि भले ही आप फ्रेशर हो, आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, या फिर आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है या 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, ये कलेक्शन फ्रेमवर्क हर जगह आपको काम आएगा। और क्योंकि ये ऑलमोस्ट आज एक कोर जावा का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर जगह आप कोडिंग करने जाएंगे तो आपको लगेगा ही लगेगा। तो इसको समझने की कोशिश करें। वैसे तो मैंने हैश मैप कैसे इंटरनली वर्क करता है पहले एक वीडियो डाला था, होपफुली आपको बहुत पसंद भी आया है, लोग बाग बहुत पसंद करते हैं, देखते हैं उसको। आपको हो सकता है कलेक्शन फ्रेमवर्क का ये जो मेरा अप्रोच रहेगा शायद आपको पसंद आएगा, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कलेक्शन फ्रेमवर्क की ज़रूरत कैसे पड़ी पहले इस वीडियो में। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा क्योंकि फिर आपको इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा आगे, अगर एक ही वीडियो में मैं सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि कलेक्शन फ्रेमवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो उसके लिए चलते हैं, एक छोटे से नोटपैड प्लस प्लस में जाता हूं मैं। आज हम कोडिंग नहीं करेंगे बट हम ये समझेंगे कि कलेक्शन फ्रेमवर्क कैसे आया। तो आइए नोटपैड पे जाते हैं और मैं आपको समझाता हूं कि कैसे इसकी ज़रूरत पड़ी है। तो ये देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूँ कि मुझे कुछ डेटा चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि जैसे मुझे मान लीजिए 3 डेटा वेरिएबल को सेव करना है, तो मान लीजिए वो नंबर्स हैं कुछ, उनको मेरे को सेव करना है, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे ठीक है मैं उनको सेव कर देता हूँ इंटीजर में, और अगर 3 है तो उसका 3 वेरिएबल बना लेता हूँ, X, Y और Z टाइप। अगर मैं बोलूँ स्ट्रिंग करना है तो आप स्ट्रिंग कर देंगे str1, str2, str3। तो 3 डेटा तक तो ठीक है दोस्तों, 3 डेटा तक तो हमने सेव कर लिया, तो वह हमारे लिए इजी भी हो गया, भले यूज़र से इनपुट लेना हो या हम खुद उसको सेव कर रहे हैं, हमने खुद स्ट्रिंग बनाया है तो। लेकिन अगर मान लीजिए इसी को मैं चेंज करके बोल दूं कि भाई एक काम करिए आप 3 की जगह इसमें 100 डेटा सेव कर दीजिए, 100 नंबर सेव कर दीजिए, तो फिर आपके लिए थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाएगी। लेकिन आप बोलोगे ठीक है चलो कर देंगे, वो हम किस में करेंगे? बेसिकली हम डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे, अगर इंटीजर x, y, z करके इतने सारे वेरिएबल्स बनाने जाएंगे तो वो हमारे लिए इजी नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम अगर आपको याद, आपके दिमाग में शायद आ गया हो उसका आंसर, तो आप क्या करेंगे, जनरली आप जाके एरे क्रिएट कर लेंगे कि भाई 100 नंबर के एरे बनाने हैं। तो उसके लिए आप कैसे लिखेंगे, इंटीजर ए इस टाइप से कर देंगे, लेकिन ये यहाँ तो आप एरे बना नहीं सकते, तो एरे कैसे बनाएंगे, न्यू करेंगे, न्यू ए, इसके अंदर ये क्या था, ये था रेफरेंस वेरिएबल ए को जो वैल्यू को होल्ड करेगा वो उसका रेफरेंस वेरिएबल था। अभी आप क्या करेंगे, इसमें जाके 100 टाइप करेंगे, ये आपका एक इंटीजर टाइप का एक एरे बन गया। तो ये तो ठीक है कि आपको यहाँ पर आपने एक एरे बना लिया, लेकिन इन सब के इसमें क्या हो गया कि एक साइज़ फिक्स पता है आपको एरे में, कि आपको पहले से साइज़ पता है, उतने साइज़ का आप एरे बना सकते हैं। अगर आपको साइज़ नहीं पता हो तो एरे कैसे बनाएंगे, राइट?
तो ये भी एक चीज है जिसको, जो कि हमारे लिए एक ड्रॉबैक है, जहां पे हमको साइज पता होना चाहिए। तो ये एक कारण था जिससे हमको, मान लीजिए ज्यादा वैल्यूज होल्ड करनी है तो हमको अगर उसका साइज भी नहीं पता हो तो हमको एरे तो बना नहीं सकते। और दूसरी चीज, एक और चीज है, आप इधर देखेंगे तो मैं इंटीजर का, और अगर मेरे को मान लीजिए स्ट्रिंग का करना है तो मेरे को स्पेशली स्ट्रिंग का फिर बना के एरे बनाना पड़ेगा, str जो होल्ड करे वैल्यू, और वैसे ही न्यू करके स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी मुझे str, ये 100 की हो गई। अब मान लो ये 1000 हो गए, 2000 हो गए, इसका कोई लिमिट नहीं रहा, आप चाहेंगे डेटा कोई भी यूज़र डालता रहे तो आपका वो ग्रो होता जा रहा है। तो वो चीज़ें आपको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगी एरे को लेकर भी। तो ये ज़रूर समझने की कोशिश करिए दोस्तों, पहले हमारे पास मान लीजिए एक आधी स्ट्रिंग है, 10 स्ट्रिंग है तक, तो तब तक हम वेरिएबल्स यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, लेकिन यूज़र भी कितना इनपुट करता रहेगा। तो उसके लिए फिर हम क्या गए, एरे पे गए, जहाँ पर हमको एक कैपेसिटी फिक्स थी हमारी कि भाई इतने इतने बड़ी एरे बनानी है। तो ये आप समझिए कि हमारे को कलेक्शन पे इसलिए जाना पड़ा क्योंकि पहली बात तो एरे में क्या इशू था कि इसमें आप सिर्फ जो डेटा डाल रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो इंटीजर या स्ट्रिंग, मतलब आप कोई ग्रुप बना रहे हैं वो किसका रहेगा, आइडेंटिकल डेटा। आइडेंटिकल मतलब समानांतर, मतलब सेम टाइप की वैल्यूज आप इंसर्ट कर सकते हैं। इंटीजर डाल रहे हैं तो इंटीजर ही डाल सकते हैं, स्ट्रिंग डाल रहे हैं तो स्ट्रिंग ही डाल सकते हैं। तो ये एक कारण हो गया, पहला कारण जो कि हमको एक ड्रॉबैक समझ में आ रहा है एरे के अंदर, कि भाई सेम डेटा हमको, सेम डेटा सेट, सेम डेटा टाइप भी बोल सकते हैं, सेम डेटा टाइप वैल्यूज। तो हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया कि यहाँ पर हमको सेम डेटा टाइप की वैल्यूज डालनी पड़ रही हैं, अब जाके हमारा एक एरे को डिफाइन कर पा रहे हैं। दूसरा इशू क्या हो गया कि हमको पहले से इसका साइज पता होना चाहिए। तो हमारा दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि साइज शुड बी नोन, मतलब हमको एक एरे का साइज पता होना चाहिए तभी हम उस पर काम कर सकते हैं, अदरवाइज हमको उस पर काम करना बहुत मुश्किल है दोस्तों। तो ये दूसरा ड्रॉबैक हो गया जो कि हमको मजबूर करता है कि हम कलेक्शन की तरफ मूव करें। अब तीसरी चीज़ दोस्तों, अगर मुझे मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर एरे के अंदर कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, सर्च करनी है, सॉर्ट करना है, रिवर्स करना है, स्ट्रिंग रिमूव करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो उस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कर तो सकते हैं आप, नो डाउट, बट करने के लिए आपको सबसे पहले इसमें बहुत सारे मेथड्स लिखने पड़ेंगे, खुद के मेथड्स लिखने पड़ेंगे, जब जाके आप एक एरे के अंदर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। क्या चीज़ें, जैसे इंसर्ट, रिमूव, सॉर्ट, सर्च, बेसिकली आप करते क्या हैं, एरे क्यों कर रहे हैं, कोई एरे लिया है तो उसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं, कोई वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए आपको कुछ बहुत सारे मेथड्स लिखने पड़ेंगे एरे में, जब जाके आपका वो बन पाएगा, बट वो इजी नहीं है चीज़, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको उसके लिए करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमको कलेक्शन फ्रेमवर्क दिया गया दोस्तों, क्योंकि कलेक्शन फ्रेमवर्क में आपको ना तो साइज़ डिफाइन करना है, आप डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स, भले ही आपका वो ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, या फिर आपका कोई स्टूडेंट टाइप का डेटा हो, यूज़र टाइप का डेटा हो, एम्प्लॉय टाइप का डेटा, मतलब ऑब्जेक्ट हो, तो ऑब्जेक्ट भी आप उसमें उसको सॉर्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, उसमें मतलब डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं एक ही कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। उसमें कहीं पर ये क्राइटेरिया नहीं है, आपको आइडेंटिकल टाइप का डेटा होना चाहिए, जो कि हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है एरे के अंदर। दूसरा, साइज़ हमारा फिक्स होने की ज़रूरत नहीं है, हम साइज़ कभी भी यूज़र से कभी कितना भी इनपुट ले सकते हैं और डेटा ले सकते हैं या खुद भी डाल सकते हैं, और साइज़ को कहीं हमारा ज़रूरी नहीं कि फ़िक्स रहे, आप उसको साइज़ कभी भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कैपेसिटी प्लानिंग उसको आगे इंक्रीज डिक्रीज जो करना है आप कर सकते हैं। तो ये एक कारण है हमको एरे में कलेक्शन में शिफ्ट होने के लिए। और इसी टाइप से इंसर्ट, रिमूव, सर्च, सॉर्ट, ये सब के लिए उनने कलेक्शन फ्रेमवर्क ने ऑलरेडी हमको बहुत सारे मेथड्स प्रोवाइड कर रखे हैं, जिसके कारण हम ऑलरेडी उसमें हमको कुछ स्पेशली मेथड्स लिखने नहीं पड़ते हैं, हमारे पास ऑलरेडी API प्रोवाइडेड है। तो ये सारी चीज़ें हमको
कलेक्शन ने ऑलरेडी दी हुई हैं, जिसके कारण हमको ये बहुत ईजी हो जाता है उस पर काम करने के लिए। हम ये भी देखेंगे दोस्तों कि भाई कभी कभी हमको जैसे कैपेसिटी, हमको ये आप दिख रहे हो कि हमको साइज़ फिक्स है, तो एरे का साइज़ फिक्स है। और दूसरा चीज़ हमारा जो एजेंडा था, व्हेन टू यूज़ कलेक्शन एंड व्हेन टू यूज़ एरे। देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि आपका एरे का साइज़ फिक्स है तो आपको पता है कि कहाँ पे क्या डेटा है, तो आप स्पेशली जाके उसको डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। लेकिन आपका कलेक्शन में डेटा, कभी मान लीजिए कोई आपने 1000 टाइप की स्ट्रिंग डाल रखी है, इंटीजर डाल रखे हैं, तो आपको मान लीजिए 99th लोकेशन पे आपका कोई डेटा था जो कि रिमूव हो चुका है। पहले एरे में क्या हुआ कि एरे में वो डेटा फिक्स है, एक जगह पे ही रखा हुआ है, लेकिन कलेक्शन में वो डेटा कोई रिमूव कर सकता है, ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है किसी भी टाइम पे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको थोड़ा सा टाइम लैग होगा, क्योंकि जब आप कलेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ, जब इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं तो कुछ ना कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। तो वो कुर्बानी है टाइम लैप्स, टाइम का थोड़ा सा यूटिलाइजेशन, मतलब जो फास्ट, अगर एरे बहुत फास्ट है उस केस में तो कलेक्शन थोड़ा कम फास्ट है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही स्लो हो गया वो। तो इस कारण यही एक मेन रीज़न है जो साइज़ के कारण इसको डिफ़र करता है, जहाँ पे एरे में क्या है साइज़ फिक्स है बट कलेक्शन में साइज़ फिक्स नहीं है, कभी भी कोई डेटा रिमूव ऐड हो सकता है, जिसके कारण उसका टाइम डिफरेंस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है उसको करने में। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलेक्शन पे हम क्यों मूव हुए, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और मैं ये मतलब आपका मेन डिफरेंस हो गया, जब भी कोई आपसे इंटरव्यू में पूछे तो कलेक्शन और एरे में, कलेक्शन एरे समटाइम्स क्यों अच्छा है, तो आपको ये उत्तर देना है। और बाकी तो आपको मैंने बता ही दिया कि आपको जब डेटा आपका कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है या कम हो रहा है तब आपको कलेक्शन पे ही जाना है, और ये बाकी की जो है आइडेंटिकल डेटा टाइप यूज़ नहीं करना है, साइज़ कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क में, तो उसके लिए हमको ये यूज़ करना है। तो दोस्तों मैं आज के लिए, आप इसको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बार बार सुनिए, क्योंकि आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम एरे पे क्यों शिफ्ट हुए, हम कलेक्शन पे क्यों शिफ्ट हुए, एरे से ही हम काम कर लेते। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए और आपके आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। बाकी का हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हमारा एजेंडा टू बी कंटिन्यूड की कलेक्शन ओवरव्यू, हम पूरा मैं कलेक्शन ओवरव्यू बताऊँगा आपको, इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए। तो हम स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, आपको कलेक्शन की जर्नी के लिए मैं बोलता हूँ कि आप इसमें आइए और आप इसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए, थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों, कीप लर्निंग, थैंक यू दोस्तों।